Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So in this video we will discuss some conceptual questions of D block elements. The idea and basics concept behind these questions we have already discussed. आपको पता है कि कैसे कैसे आंसर करना है, बट एक बार फिर वन बाय वन जो है सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द आंसर प्रॉपरली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. व्हाई, क्यों शो करते हैं, क्या रीजन है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है यू कैन आंसर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बहुत सारे क्वेश्चंस को आप किससे आंसर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कर सकते हो. सो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की, इट इज एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस टू. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. Clear?
Right. So next is transition metal forms large number of complexes. Okay, और क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होने की
Why? Because chromate and the color of chromate ion is yellow. Okay? So it is clear ki when dichromate ion can be act alkali means base in dichromate ion, then it turns yellow. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट. ओके, ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट.
boiling point. So here you can write with the help of number of unpaired electron. Just remember one thing: presence of unpaired electron. Unpaired electron present here, then there will be strong intermetallic bonding. Or अगर उनकी metallic bonding strong है, high enthalpy of atomization होगा. High enthalpy of atomization है, high melting and boiling point भी होगा. Now you can answer me why zinc, cadmium, mercury has low melting and boiling point. रीजन पता लग गया आपको? क्लियर? ओके, सो राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा वन थिंग मोर बेटा, सपोज आपसे कभी भी पूछा जाए कि दिस आयन इज व्हाइट, दिस आयन इज कलर, दिस इज कैडमियम 3+ पूछे कि ये व्हाइट है, सो यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल शो कलर. सो यहाँ पर क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इनर और वाइटर में तो फुल्ली फील ही होंगे, इसलिए ये व्हाइट होगा. जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी कलर्ड. जैसे टाइटेनियम, टाइटेनियम 4+ क्या होगा? कलरलेस. लेकिन टाइटेनियम 3+ क्या होगा? इट विल बी कलर्ड. क्या होगा? कलर्ड होगा. क्यों? टाइटेनियम 4+ का कॉन्फिगरेशन होगा 3D0 और टाइटेनियम 3+ का होगा 3D1. सो हियर यू कैन सी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट विल बी कलर्ड एंड दिस विल बी कलरलेस. क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस. बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपके पास दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो मेटल टू मेटल 2+ ऑर्डर पूछा जाएगा, या मेटल 2+ से मेटल 3+ पूछा जाएगा. ओके, इसका मतलब है कि मेटल में से मेटल 2+ वाला ऑर्डर के लिए जो होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके आंसर आपसे पूछा जाएगा. अब इसमें आपने एक ही चीज याद रखना बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जैसे जिंक के लिए बात करें, जिंक के लिए, तो जिंक के लिए मेटल 2 मेटल 2+ इसके लिए ये वैल्यू होती है -0.76. ये वैल्यू होती है, मींस मोर नेगेटिव है. मोर नेगेटिव का मतलब है जिंक कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू मेटल टू मेटल 2+, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. बट कॉपर के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी. कॉपर के लिए ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव है, इट इज 0.34. और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि यस, कॉपर में से कॉपर 2+ बनना अ लिटिल बिट डिफिकल्ट है. एंड रीजन यू नो कि जिंक का कॉन्फिगरेशन होता है 3D10 4S2, इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इट इज स्टेबल है. अब आते हैं कॉपर में, तो कॉपर का होता है 3D10 4S1, तो यस 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इट बिकम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. एंड दैट्स व्हाई जो है इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वो क्या है? पॉजिटिव. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉपर प्लस 1 ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर? मतलब कि अगर मैं कॉपर को डालूंगी ना वाटर में तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? अब आप बोलोगे कि इसके लिए तो बहुत सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होगी. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वैसे तो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, बट 2 फैक्टर जो है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है. ओके, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी वैल्यू पॉजिटिव.
छोटा होगा ना, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए ये वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखो कॉपर प्लस, कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10। और यहाँ पर आप बोलोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा होने वाली है, फिर तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का मतलब है कि ये इसमें इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से कन्वर्ट होगा। ओके तो बेटा यस बहुत पॉजिटिव है, बट इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव वैल्यू को बैलेंस कर लेती, कंपनसेट कर लेती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ द हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दैट्स व्हाई इट गेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू कॉपर 2+। ये अपने आप से टूट करके कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको काफी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपने तो कॉन्फ़िगरेशन बोला है, फिर कैसे? तो क्रोमियम, क्रोमियम है 3d5 4s1। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमियम 2+, सो इट विल बी 3d4। क्रोमियम 2+ मींस 3d4। ओके सेम एज आयरन 2+, तो मतलब क्या हुआ 3d6। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो आप बोलोगे ये तो बहुत इजिली लूज करेगा और 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो मेटल 2+ से मेटल 3+ वाली कंडीशन है, मींस ये ज्यादा इजिली कन्वर्ट हो जाएगा 3d5 में, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका रीजन क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाता है 3d3 में, किसमें 3d3 में, और ये भी बहुत स्टेबल इसकी स्टेट होती है, क्योंकि आप जब अभी नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि d और ऑर्बिटल भी दो सेट में डिवाइड हो जाती है, एक होता है d2g एंड द अदर वन इज d3। तो यहाँ पर जब तीन इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो इसको भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, मींस 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो नोन एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स व्हाई क्रोमियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके नहीं
नहीं होती, इसको बाइंड करके रखता है, ठीक है, पार्टिसिपेशन में यूज नहीं करने देता, ओके। तो अवेलेबल नहीं होंगे, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, ओके। तो ये क्या है, बेसिक। अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड करने में, इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेते हैं, यूज अप कर लेते हैं, और इनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते, इस वजह से ये होते हैं एसिडिक, ओके। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, ओके, एंड टुमारो आई विल टेक टेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो बी प्रिपेयर्ड। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।